Hey guys, if you're a fan of Indian basketball, then subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon. व्यूअर भैया, बात करें तो किस तरीके से आप अभी जो अब इंडियन टीम के भी कोच रहे हैं और जो अभी स्टैंडर्ड अगर बात करें इंडियन टीम की, तो किस तरीके से देख रहे हैं इंडियन टीम के अभी स्टैंडर्ड के प्लेयर्स को? टीम देखिए अच्छा खेल रही है, अभी जो है साबा हवा में भी जो है गोल्ड मेडल है, लेकिन साबा तक ही नहीं, लेकिन जो अभी इंडियन टीम सीनियर टीम का भी और जो बाकी टीमें हैं जो अंडर 16 अंडर 18 इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लड़कियों में भी अच्छा रहा है और जो भी लड़के और स्पेशली जो एनवी एकेडमी के भी कुछ बच्चे हैं और बाकी इधर जो भी सेंटर्स में प्रैक्टिस हो रही है वहां से जो बच्चे निकल रहे हैं, आगे कोचेस भी जो फॉरेन के कोचेस आए हुए हैं इनका भी एक अच्छा जो है मतलब इनके जोड़ने से एक अच्छा जो है इंडियन टीम का जो है वो हो रहा है, इन वजह से भी जो है ये सब चीजें कमी है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और ऊपर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। विशेष भाई, अगर बात करें आपकी, तो कैसा अभी देखा गया, तो अभी इंडिया गई थी क्वालिफायर्स खेलने, टीम का परफॉर्मेंस की बात करें तो एक अच्छी टीम देखने को मिली, बैलेंस टीम देखने को मिली, काफी चेंजेस देखने को मिले। पहले मैच में कहीं ना कहीं थोड़ा से कुछ कमियों की वजह से हार मिला, लेकिन दूसरे मैच में टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और टीम मैच जीत गई। तो ये लगभग 3-3.5 साल के बाद ये जो विक्ट्री आप कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में आई है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? अभी भाई बात करें तो जैसे कि आपने एक यूपी की टीम को भी देखा है, यूपी की टीम जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस रहा है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ अभी काम करने की जरूरत है? टीम का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये है कि हम लोग के पास जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक हाइट नहीं है, हाइट के उस पर जो है हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं और हर उसमें एवरेज हाइट भी हमारी जो है अधिक से अधिक 6'3", 4" जैसे या 2" तक रहती है, तो हमें कम से कम 6 फुट मतलब अगर इस तरह की हाइट के प्लेयर्स मिलते हैं या उनको जो है मतलब हमारी टीम से वो करते हैं तो फिर टीम का परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता है। बाकी टीम उसके अलावा जो है टीम बहुत अच्छा खेल रही है, अभी जूनियर में भी हमारा मेडल रहा है और लास्ट लड़कियों में भी 2 साल से लगातार मेडल है, उसके पहले अभी सीनियर टीम हमारी जो है वो उसमें आ गई, अपर पूल में आई है इस बार, तो मतलब परफॉर्मेंस ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, अगर मेहनत करते हैं तो आगे टीम जो है और ऊपर ये परफॉर्मेंस कर सकती है। और जिस एज ग्रुप अभी पिछले साल हम सब जूनियर में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। विशेष भाई, अगर बात करें अभी की जो इंडियन टीम है, कितना आप इसको बैलेंस देख रहे हैं, अगर बात करें वेटरन एक्सपीरियंस प्लेयर और यंगस्टर का जो एक वो है तालमेल, आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से एक जो एक आप बोल सकते हैं कि एक सुटेबल टीम होती है, टीम होती है, ये अभी काफी अच्छा है, आप कह सकते हो काफी अच्छा है, क्योंकि देखा जाए जो जूनियर और सीनियर के बारे में जूनियर और सीनियर बहुत ज्यादा एज के प्लेयर भी हमारे पास नहीं है, एक आठ लोग हैं जो बहुत ऊपर है, मतलब एवरेज है 27-28 ही है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और सीनियर जूनियर का इतना हम नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो सीनियर जूनियर मैटर नहीं करता है, बस ये मैटर करता है कि भाई सीनियर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और जूनियर्स के पास कम, तो वो हमें शेयर करना होता है उनके साथ कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा करना वैसा करना, तो जो भी है मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना, और ऐसा कुछ उसमें इम्पैक्ट नहीं है। और देखा जाए तो भाई आप जितनी प्रैक्टिस एक साथ कर रहे हैं हम लोग सीनियर जूनियर मिलकर, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो काफी अच्छा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मेरी यादविंदर से बात हो रही थी, तो यादविंदर का ये कहना था कि अगर स्कॉट जो अभी है कि स्कॉट फ्लेमिंग के टाइम में इंडियन टीम का एक रेवोल्यूशन देखने को मिला और टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और उनका ये कहना था कि स्कॉट फ्लेमिंग अभी भी अगर इंडियन टीम के साथ एसोसिएटेड होते तो हम कहीं ना कहीं एशिया में हम टॉप 4 में तो जरूर पहुंच जाते। देखिए भैया, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, सबके अपने अपने वो हैं, यू नो व्यूज है, क्योंकि अब जैसे अभी जो वेस्टर्न मैटिक फॉर इंडियन टीम के हेड कोच है, इनके साथ यादविंदर ने काम भी नहीं किया, आई गेस तब से वो टीम में नहीं है। और दूसरी बात है, आप अगर स्टैट्स उठा के देखें, जब तक स्कॉट फ्लेमिंग थे तब तक टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था, ग्रो मतलब वी वाज ग्रोइंग, उसके बाद उनके जाने के बाद 1-2 साल बाद टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया, क्योंकि एक्चुअली एक कोच जो है ना वो टीम को एस्टैब्लिश कर सकता है। अब अभी देखा जाए अचानक से जब वेस्टर्न
टीम बहुत अच्छे उसमें नहीं थी, शेप में नहीं थी, बट इन्होंने फिर भी किसी तरीके से मैनेज करके और वो करके टीम को परफॉर्म कराया, अच्छा परफॉर्म कराया। तो मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता कि भाई सिर्फ वो होने चाहिए। बहुत मतलब आप देखा जाए तो बास्केटबॉल को मतलब ऊपर लाने में स्कॉट फ्लेमिंग का बहुत हाथ है, बट अभी की सिचुएशन में वेसलिन मैट्रिक को आप किसी भी चीज के लिए कह नहीं सकते गलत, क्योंकि वेसलिन मैट्रिक के पास जो एक्सपीरियंस है और जो उनका रिजल्ट है वो एशिया में कोई और टैली नहीं कर सकता। अगर बात करें कुछ की पॉइंट्स विशेष भाई की, जो इंटरनेशनल लेवल में जो हम मैचेस खेलते हैं और जो अभी हमारी इंडियन टीम की जो अभी अभी की चीजें हैं वहां पे, हमको वहां तक पहुंचने के लिए अभी कुछ की पॉइंट्स अगर बात करें तो कहां हमें अभी कुछ की पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है? नहीं बिल्कुल, देखिए की पॉइंट्स का मतलब कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि की पॉइंट्स मतलब अब आदमी ने सोच लिया कि हमें यही करना है तो यही इसी पॉइंट पे काम करते रहे और अच्छा करें। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ये देखा, जैसे अब हमारे मैच थे बहरीन से इराक, तो हमें एक महीना डेढ़ महीना पहले से वो इराक टीम का और बहरीन टीम का मैचेस के वीडियोस और स्टैट्स और उनके जो टूर्नामेंट वो खेल रहे थे उनके वीडियोस वहाँ के स्टैट्स, तो हर चीजों को वो दिखा के प्रिपेयर कर रहे थे। तो हम उस हिसाब से काम कर रहे थे कि भाई उनका ये प्लस पॉइंट है, उनका ये माइनस पॉइंट है, यहाँ काम करो, इराक का ये प्लस है, ये माइनस है, वहाँ काम करो। तो डेफिनेटली अब जो हम मैच खेल के आए हैं उसके हिसाब से उन्होंने प्रिपेयर कर रखा होगा कुछ, हमारे कोचेज ने और फॉरन कोच ने मिलके। अब हम जब वापस जाएंगे कैंप्स में तो वो हमें उस चीजों पे काम कराएंगे कि हम यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे हम काम खराब कर रहे हैं। आई गेस डेफिनेटली वो ये जरूर कहेंगे कि भाई थोड़ा सा लास्ट जो एक बोलते हैं ना कि एकदम एंड टाइम का जो टाइम होता है वहाँ पे थोड़ा सा अभी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें जैसे हैं वो सब चीजों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और डेफिनेटली अब हम जब वापस जाएंगे तो इन मैचेस की वीडियोज और स्टैट्स के थ्रू हम अपनी कमियों पर काम करेंगे। विशेष भाई अगर बात करें तो जो एशियन टीम्स हैं अगर देखा जाए तो एक टाइम था 80s वगैरह में ही अगर बात करें तो ईरान वगैरह से हम काफी क्लोज रहते थे उनके मैचेस वगैरह, और भी काफी टीम्स थी जो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं थी। लेकिन अगर आज के टाइम में देखे तो ये सारी टीम का स्टैंडर्ड ही अलग लेवल का चला गया है। जो एशियन टीम्स है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बिल्कुल अलग है। नहीं एशिया में एक्चुअली स्टैंडर्ड का मैटर ये है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन बास्केटबॉल लीग, और बास्केटबॉल लीग होने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपकी कंट्री के प्लेयर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस गेम का मतलब प्लेयर्स को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल्स का एक्सपीरियंस, गेम का एक्सपीरियंस और नई स्किल्स डेवलपमेंट हर चीज होती है वहाँ पे, तो उन चीजों का बहुत इफेक्ट है। और ईरान में लीग काफी समय से है। और दूसरी बात है, आपको अभी जो आपने इससे पिछला क्वेश्चन पूछा था मैं उसका जवाब देता हूँ। ईरान जब पहली बार एशिया चैंपियन बनी थी तो उसका कोच जो था, हेड कोच था, ये वेसलिन मैट्रिक थे। मोस्टली जो कंट्रीज खेलती है मेरे ख्याल से इंडिया और एक दो कंट्रीज और होंगी सिर्फ जिनको छोड़ के, बाकी सारी कंट्रीज के पास उनके नेशनलाइज्ड प्लेयर्स हैं जिनको वो नेशनलिटी दे देते हैं और वो उनके लिए खेलते हैं। आप कोई भी मैच देख लो, बहरीन देख लो, इराक देख लो, ईरान देख लो, इवन किसी को भी देख लो, सबके पास आपको फॉरेन प्लेयर्स मिलेंगे, तो उनका अलग इम्पैक्ट रहता है क्योंकि वो जिस भी पॉइंट पे ड्रॉप होते रहते हैं वो प्लेयर को रखते हैं, वो बड़ा इफेक्टिव है। और वो भी मुझे लगता है कि काफी बड़ा एक ना पॉइंट है जहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉप होते हैं, लेकिन फिर भी उनके उन प्लेयर्स के साथ भी बीच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमारे पास नहीं है लेकिन हम अपने प्लेयर्स के साथ कर रहे थे उनके सामने। तो उम्मीद है कि भाई जिस हिसाब से एक्सपीरियंस चल रहा है और आगे भी अगर लॉकडाउन के बाद ये सब खुलते हैं और जिस हिसाब से चल रहा है प्रिपरेशन चलता रहे, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगले साल हम एशिया कप क्वालिफाई जरूर करेंगे और एशिया कप में भी हम टॉप 8 में खेल सकेंगे। विशेष भाई बात करें तो आपका एक जो कैरियर रहा है, इंटरनेशनल कैरियर रहा है, वो अगर किसी भी प्लेयर से अगर देखा जाए तो एक काफी बैलेंस रहा है और काफी एक संयम, क्योंकि आपके कैरियर में बस एक इंजरी को छोड़ के ओवरऑल आप लगातार इंडियन टीम से खेल रहे हैं और काफी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, काफी चीजें देखी हैं। तो हम मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडियन टीम के लिए खेलते हुए, क्योंकि इंडियन टीम के लिए खेलते हुए एक हमेशा से ही प्राउड मोमेंट होता है और नो डाउट हर खिलाड़ी इंडियन टीम के लिए खेलना चाहता है, लेकिन
जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडियन टीम के लिए खेलते हुए कुछ एक ऐसा मोमेंट जहां पे आपको लगता है कि ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था इंडियन टीम के लिए कि खेलते हुए, उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात इंडियन टीम के लिए खेलना हमारा सम्मान है, और दूसरी बात ये रही जहाँ तक बेस्ट बेस्ट मोमेंट्स की बात है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे, जैसे हमने चाइना को पहली बार 2014 में बीट किया, 2016 में चाइना को हमने बीट किया, और बीच एशियन गेम्स में हमारे पास मेडल है, सिल्वर गोल्ड है, तो ऐसे कई सारे मोमेंट्स है जहाँ पे हमें भाई अच्छा लगा और हो रहा है, एक दो मोमेंट नहीं। और दूसरी बात इंडियन टीम के लिए हमेशा खेलना मेरे लिए अच्छा लगता है, मुझे कोई खराब नहीं लगता, क्योंकि भाई जीवन में जिस चीज के लिए मेहनत की है उसके लिए खेलने में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति या किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती, हमेशा वो मेरे लिए सम्मान है। एक बड़े स्केल पे यूबीए आया था, और यूबीए जो जिस तरीके से खिलाड़ियों को रख रखाव कर रहा था, पेमेंट कर रहा था, काफी एक बढ़िया रहा था, लेकिन एक दो इतने लोगों से बात करने के बाद एक और इतने लोगों से जब मैंने चीजों को जाना, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज सामने आई कि यूबीए जो था, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी उसकी और जो चीजें थी वो उसको हिसाब से नहीं मिल पाई, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो लीग चली गई, तो उसको लेके क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो यूबीए एक प्राइवेट लीग थी, करेक्ट, और जिस हिसाब से यूबीए चल रहा था, आप बिल्कुल कह सकते हो यूबीए अच्छी लीग थी, और काफी ठीक पैसा भी, मतलब प्लेयर्स को एक्चुअली ठीक तो क्या पैसा मिलने लग गया था एक्चुअली, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा था कि वो खेल भी रहे थे, उस चीज के लिए पेड भी हो रहे थे, और अच्छी जगह पे रहना खाना ये सब चीजों का थोड़ा सा वो ध्यान देते थे, तो बाकी वो अच्छा था। मुझे लगता है कि अगर इंडिया में अगर बास्केटबॉल लीग होती तो उसको कहीं ना कहीं फिर यूपीए को, अगर यूपीए वापस ना जाती तो यूपीए एक सेकंड लीग के रूप में प्लेयर्स के पास ऑप्शन रहता, जो प्लेयर्स भाई मेन लीग में ना खेल पाते तो उस लीग में खेल के कंटिन्यू कर सकते। एक बात करें विशेष भाई की, एक प्रोफेशनल लीग की जो बात है वो तो लगातार चल रही है, और हम और आप भी जानते हैं कि 15 से 20 साल से ये बात चल रही है कि लीग आएगी, लेकिन अभी तक लीग मतलब आई नहीं है, तो खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन अगर बात करें एक लीग से जो होती है एक नेशनल टीम को, उसको कितना इफेक्ट करता है उसके परफॉर्मेंस पे जब भी वो बाहर खेलने जाते हैं कि वो एक वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आप जैसे इंडिया में खेलते हो, इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलते हो, ठीक है, और तो आप अपने एक ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करते हो, जहाँ पे वहाँ पे आप किसी के साथ खेलते हो, आप उसके साथ खेल के एक्सपीरियंस दे लेते हो कि भाई ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा मुझे, आप खेलने में मतलब एक्सपीरियंस मिल जाता है, आप उसके हिसाब से खेलते हो, आप बाहर निकलते हो, स्टेट में आते हो, स्टेट टीम में आते हो, फिर आप जॉब में आते हो या नेशनल कैंप में आते हो, आप वहाँ के प्लेयर्स के साथ खेलते हो, फिर आप जब बाहर जाके खेलते हो तो आप बाहर की टीम के प्लेयर्स को देखते हो, उनके साथ खेल के एक्सपीरियंस देते हो कि भाई ऐसा मतलब ये ऐसा खेल रहे हैं, मुझे मतलब मैं यहाँ गलत कर रहा था, मैं इसके बाद आप मतलब उन चीज़ों को सोचते रहते हो कि ये गलत था मेरा, वो उसने ये ऐसा किया, ये एक्सपीरियंस मिला मुझे ऐसा, तो वही चीज़ जब लीग में आप फॉरन के प्लेयर्स आपके साथ आपके घर में आके खेलते हैं, तो आप जब वहाँ खेलते हो तो आपके बहुत टाइम है प्रैक्टिस में, मैचेस में, फिर उसके बाद आप जब नेशनल टीम के गेम्स में आते हो तो आप मतलब उन चीज़ों में अपने आप को पॉलिश करते रहते हो कि यहाँ गलती हो रही थी, यहाँ गलती हो रही थी, यहाँ गलती हो रही थी, सही करो, तो उन चीजों का इफेक्ट है। बिल्कुल विवर भाई, अगर बात करें तो यूपी के बारे में ही बात करें, यूपी में जिस तरीके से बास्केटबॉल रहा है काफी एक अच्छा रहा है, और एक कल्चर जो एक बोल सकते हैं कि कुछ स्टेट है जिनके यहाँ बास्केटबॉल कल्चर है, यूपी भी वहाँ उसमें से एक आता है कि यूपी में एक बास्केटबॉल का कल्चर रहा है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं एक जो देखने को मिला है कि यहाँ पे भी कुछ टूर्नामेंट्स है वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक जो प्लेयर्स का जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, इसके बारे में क्या है? यूपी में पहले भी कोई चैंपियनशिप इतनी मतलब कोई टूर्नामेंट इस टाइप का होता नहीं था, एक दो साल जो है 3-4 साल तक प्रोफेशनल लीग एक टूर्नामेंट चलता था, फिर गोरखपुर में एक टूर्नामेंट चलता था, फिर बनारस में 2-3 टूर्नामेंट हुए 2-3 साल, और इंडिया होता था मल्ल मेमोरियल ये सब, और एक दो बार जो है स्टेट गेम्स ये सब हुए हैं, इसके अलावा ऐसा कोई खास वो टूर्नामेंट होता नहीं था, बट अभी जो होते थे वो भी एकदम बंद, अब केवल जो है स्टेट में केवल 4 चैंपियनशिप होती है, जो 3 एज ग्रुप की हो गई और 1 सीनियर चैंपियनशिप,
इसके अलावा वो भी कभी अगर कोई कारण हो गया तो उसकी वजह से ओपन ट्रायल लेना पड़ जाता है। बाकी कोशिश रहती है यूपीबीए की जो है कम से कम 4 चैंपियनशिप जो होती है वो रेगुलर हर साल मतलब ऑर्गेनाइज की जाए। तो जब तक और वैसे कोशिश है यहाँ हम लोगों के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट इन लोगों की कि जो है कोशिश की जाए कि मतलब इस चैंपियनशिप जो है कुछ कराई जाए, टूर्नामेंट कराई जाए, जिससे प्लेयर्स जो है मतलब जो प्लेयर जैसे अब जूनियर खत्म हुआ, जूनियर के बाद सीनियर तक जाने में कई प्लेयर उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस एकदम खत्म हो जाता है। तो उस वजह से कुछ टूर्नामेंट अगर होंगे तो उससे वो प्लेयर्स भी जो है अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिससे अच्छी टीमें जो है उनको जो है सेलेक्ट कर सकें। और होना चाहिए टूर्नामेंट, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होने चाहिए जिससे जो है प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो। एक जो सवाल है बहुत काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि विशेष की जो मतलब आज ये इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं तो मतलब इनकी जो जो खेलने का शुरुआत हुआ था इसमें ये कब स्टार्ट हुआ था? और त्रिदीप राय का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं विशेष भी, और काफी टाइम ये मेंशन भी कर चुके हैं कि त्रिदीप राय ने काफी सपोर्ट किया और इस तरीके की चीजें से जिस वजह से आज कहीं ना कहीं ये एक इस मुकाम पे आए हैं। तो इनकी जो करियर की स्टार्ट हुई थी क्या कुछ सोचना था? क्योंकि आपके अगर आप लोगों के बारे में बात करें तो आप लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से मतलब आपकी फैमिली में पहले नहीं रहे, आप आए उसके बाद विशेष आए, तो इनकी करियर की स्टार्ट कैसे हुई थी उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। विशेष जो है 2001 के करीब हमारे ख्याल से 2001-2 में जो है वो खेलना चालू किए, 2001 से स्टार्ट किए और 2002 से स्टार्ट की और 2003 में इन्होंने पहला मिनी नेशनल जो है पांडिचेरी में खेला था। और उसके बाद जो है मतलब पहले क्या होता था कि जैसे ये खेलने के लिए ऑलराउंडर टाइप का था, मतलब बास्केटबॉल जब तक नहीं खेला है तब तक इसने जो है मतलब हर एक गेम खेलना, जैसे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था उसे, और क्रिकेट और एथलेटिक्स भी, हॉकी भी खेले हुए, हर गेम खेलते थे। उसके बाद फिर जो है जैसे अब हम घर में जो है जाने लगे बास्केटबॉल के लिए तो फिर ये भी साथ में चलने लगे। और जाने के बाद चूंकि हमारे घर के जस्ट बगल में हम लोगों के कोच साहब जो साई के कोच थे अमरजीत कोच साहब उनका घर था, तो वो पकड़ के भी ले गए हम लोगों को, दोनों लोगों को, कि चलो वहीं ग्राउंड पे चलो खेलो। चूंकि हाइट दोनों लोगों की थी तो जा करके खेलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर धीरे से चूंकि हम लोग के घर से मुश्किल से जो है 2 मिनट का रास्ता था ग्राउंड, और फिर धीरे 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 फिर उसी एक समय आया कि जब मतलब अमरजीत कोच साहब का जो है ट्रांसफर हो गया बनारस से, जब अमरजीत कोच साहब चले गए तो एक थोड़ा सा जो है वो एक जो उनकी जगह थी वो वैकेंट टाइप की हो गई। तो उस समय एक हम लोगों के सीनियर है अतुल भैया, फिर कुछ दिन उन्होंने 2 साल तक जो है अतुल भैया ने जो है पूरे ग्राउंड को संभाला, और सेम टाइम में जो है फिर उसके बाद हरजिंदर कोच साहब आए, इन लोगों का जो है बड़ा अच्छा वो रहा। और लेकिन विशेष के लिए जो है क्या था कि जो हम लोगों के एक सीनियर थे त्रिदीप भाई का बड़ा अच्छा हो रहा इनके साथ, वो हमेशा जो है मतलब इसको प्रमोट करने के चक्कर में मतलब कि इसके, और जबकि मतलब स्थिति ये थी कि ये 4-5 टाइम प्रैक्टिस करता था 24 घंटे, सुबह एक टाइम, फिर मॉर्निंग क्लासेस जो लगती थी जनरल उसमें, फिर दिन में, फिर शाम को गेम, फिर रात में प्रैक्टिस, और मोस्टली टाइम में इनके साथ त्रिदीप भाई भी रहते थे, इसलिए त्रिदीप भाई का भी बड़ा अच्छा रहा हम लोगों के साथ। उसके बाद 2006 में जो है यूपी टीम का गोल्ड मेडल लगा था 2006 में, हाँ लुधियाना में, वहाँ से फिर विशेष का जो है थोड़ा सा जो है अच्छा वो हुआ। उसके पहले जो है विशेष का एक बार जो है सबसे पहले जो है अमेरिका जाने का टूर बना था, लेकिन किसी कारण से जो है वो टूर्नामेंट ही पोस्टपोन हो गया तो फिर विशेष नहीं जा पाए थे उसमें। फिर उसके बाद जब हुआ तो तेहरान में 2007 में जो है जूनियर इंडिया खेले, और उसके बाद 2009 से सीनियर इंडिया, उसके बाद कंटिन्यू जो है विशेष इंडियन टीम में लगे। बिल्कुल आप कह रहे हैं विशेष 2006 में जूनियर इंडिया खेला पहला एशिया, हाँ 2006 में तेहरान में इंडियन टीम जो है जूनियर वाला खेला, उसके बाद 2009 में सीनियर इंडिया खेले, नहीं 2006 में जूनियर इंडिया, 2008 में जूनियर इंडिया फिर से खेला था, फिर 2008 में ही लास्ट में कुवैत गया था, पहला टूर था सीनियर का कुवैत, उसमें त्रिदीप भाई भी थे। उसके बाद सबसे अच्छा हम लोगों को रहा कि विशेष जो है इंडियन टीम के कैप्टन जब हुए सैफ गेम्स में, उसके बाद फिर एशियन गेम 2010 में विशेष इंडियन टीम के कैप्टन रहे, कई जगहों पे जो है मतलब अच्छा विशेष का वो रहा। फिर एक उसमें कौन सा टूर्नामेंट था जिसमें जो है ये फ्लैग बियरर के रूप में थे इंडियन पूरे कॉन्टिजेंट के, 2013 नहीं 2011 में वो
सेफ गेम सीन था क्यूआई एशिया बीच एशिया मकाऊ मकाऊ नहीं वहाँ चाइना ये एक बड़ा अच्छा रहा विशेष का जगह सिर्फ से जाए विशेष भाई बात करें तो जब स्टार्ट किया था तो जैसे व्यूर भाई बता रहे हैं कि आप मल्टी स्पोर्ट्स खेलते रहते थे और लगातार एक हमेशा से मतलब एक किसी खिलाड़ी में होता है कि कुछ करने का वो रहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं और वो लगातार अगर जब कोई इंसान खिलाड़ी या जो कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है तो लाइफ में उसे वो अचीव होता है। तो जब आपने करियर की स्टार्ट किया था तो इतना कुछ सोचा था कि यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचूंगा और इतने लोग जानेंगे और इस तरह की चीजें होंगी? बिल्कुल, देखिए कोई भी नहीं जानता है कि क्या होता है आगे, बट डेफिनेटली जब खेलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आया तो जब जानना शुरू किया बास्केटबॉल तो जाना है कि भाई इंडियन लोग खेलते हैं, मतलब यहाँ से भारत के लिए खेलते हैं, ग्राउंड में एक दो लोग आते थे, मतलब एक ही दो सीनियर होते थे उस समय जो कि इंडियन टीम के लिए खेलते थे, तो उनको जब पहन के देखो कि भाई वो इंडियन टीम की जर्सी पहन के खेल रहे हैं तो मतलब एक अंदर से नहीं बोलते हैं कि एक अलग सी फीलिंग आ जाती थी भयंकर की खेलना चाहिए भारत को, भाई भारत जब छाती पे हो तो अलग ही एक वो माहौल है, फिर उन चीजों से थोड़ा सा वो लगता था, फिर धीरे धीरे करके इंटरेस्ट जैसा आता गया मुझे लगता था, मतलब फिर उस चीज के लिए मेहनत करने का वो करता था कि ठीक है जूनियर इंडिया तक तो सभी लोग खेल लेते हैं, खेलना है तो सीनियर इंडिया खेलना है कोशिश करना है, फिर लगता था कि नहीं सीनियर इंडिया खेलना है तो और खेलते रहना, अच्छा खेलना है, काफी अच्छा खेलना है,